जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो आज ही अपडेट आया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था, क्लास 10th वालों का और क्लास 12th वालों का, ठीक है, दोनों लोगों का रिजल्ट 31 जुलाई को आया था। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका रिजल्ट देखने के बाद मन ही गिर गया, वो नाखुश थे अपने रिजल्ट से, तो उनके लिए ये अपडेट है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो बच्चे अगर एग्जाम फिर से देना चाहते हैं तो यूपी सरकार ने उनके लिए योजना निकाल दिया है, वो अपना एग्जाम फिर से दे सकते हैं, अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों आपका देखिए फॉर्म भरा जा रहा है, जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं बना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर थे लेकिन उनका रिजल्ट 80-85% रिजल्ट बना है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में टैलेंटेड थे लेकिन उनका रिजल्ट 60-65% बना है, तो वो बच्चे दोस्तों बहुत नाखुश हैं, तो उनके लिए ये अपडेट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यूपी सरकार ने आपके लिए ये योजना निकाल दिया है कि आपका एग्जाम जो होगा 18 सितंबर से आपका, ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 अक्टूबर तक कराया जाएगा। अब एग्जाम की पॉलिसी क्या है उसको आप समझ लीजिए, आपका एग्जाम जो होगा 18 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक कराया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। देखिए इस एग्जाम को देने के लिए आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा, यह आपका एग्जाम निशुल्क कराया जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा लेकिन आवेदन जो इसका होगा 27 अगस्त तक ही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो अपने स्कूल से जाकर संपर्क करिए, या आप स्कूल पर नहीं संपर्क करना चाहते तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप इस पर पर्सनल वीडियो आपको बना के दे दूंगा, जिससे आप दोस्तों अपना आवेदन खुद से कर सकते हैं। लेकिन उस आवेदन में आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए, यदि आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पता है तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीजें हो गई, आपका एग्जाम जो होगा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा और आप आवेदन की अंतिम तिथि है 27 अगस्त तक, आप 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। यदि आप एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बेहतर कर सकते हो तभी आवेदन करिएगा। जैसे आपको एक इसका शर्त है, इसके शर्त को भी आप समझ लीजिए, और एग्जाम कितने बजे से कितने बजे तक होगा यह भी मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 70% एग्जाम में पाया है, ठीक है, अब 70% पाकर आप नाखुश हैं, आपको लगता है कि आप 90% पा सकते थे तभी आप एग्जाम दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम 70% पाए हैं, एग्जाम देने के बाद हम 70% से ऊपर रिजल्ट ला सकते हैं तभी दीजिएगा। जैसे आप 70 से 80 ला सकते हो तो दीजिएगा, 70 से 72-75 ला सकते हो तब भी एग्जाम दीजिएगा। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम 80% तो आसानी से ला सकते थे एग्जाम देकर, तभी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, अन्यथा इस फॉर्म को फिलअप नहीं करिएगा। इसका शर्त यह है कि अगर आप एग्जाम देते हो, जैसे मान लीजिए आपने 70% पाया है एग्जाम नहीं देने के बाद, आपने मान लीजिए इसमें आपका रिजल्ट आया है 70%, अब आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है 60%, कितना आ रहा है 60%, तो जो 70% पाए हो ये मार्कशीट आपकी इनवैलिड कर दी जाएगी, नई मार्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी 60% के साथ, ठीक है। तो 60% वाला आपको मार्कशीट मिलेगा न कि 70% वाला, ठीक है। अगर आप 70% की जगह पर 80% ला देते हो तो आपको 70% वाला मार्कशीट ना मिलकर 80% वाला ही मार्कशीट मिलेगा। कहने का मतलब जो आप नया एग्जाम दोगे, लिखित परीक्षा दोगे जो होने वाला है 18 सितंबर से 6 अगस्त तक, ये एग्जाम आप दोगे तो यही आपको मार्कशीट मिलेगी। आप इसे फेल हो जाओगे तो फेल कर दिए जाओगे, ये भी याद रखना। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तभी एग्जाम देने जाइएगा, और इस एग्जाम का एक भी रुपए शुल्क नहीं लगेगा, मैं ये भी बता दे रहा हूं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका एग्जाम होगा वो सुबह 8 बजे से 10:15 तक, ठीक है, सुबह 8 बजे से 10:15 तक कराया जाएगा। यानी आपका एग्जाम पहले 3 घंटे का होता था, अब सिर्फ 2 ही घंटे का आपका एग्जाम कराया जाएगा, और सुबह में शाम को दोस्तों 2 बजे से 4:15 तक आपका एग्जाम कराया जाएगा। यानी 2 बजे से 4:15 तक आपका एग्जाम कराया जाएगा, 2 बजे से
4:15 तक, यहाँ 8:00 से 8:15 तक एग्जाम कराया जाएगा। सुबह टाइम हाई स्कूल का पेपर होगा, शाम टाइम इंटरमीडिएट का पेपर कराया जाएगा, याद रखिएगा। ये तो कुछ शर्तें हो गई। अब आप ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको परीक्षा कब देना है और कहाँ देना है। तो दोस्तों परीक्षा तो आपको मैंने बता दिया 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा, लेकिन परीक्षा जो होगा वो राजकीय कॉलेजों में होगा, जहाँ पर बिल्कुल भी नकल की व्यवस्था नहीं होती। तो आपको मैं ये सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ एग्जाम में, तभी बैठिएगा, अन्यथा मत बैठिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही रहा है आज का अपडेट, दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता था। ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग ये लिखित एग्जाम देना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनके स्कूल वालों ने उनके साथ अन्याय किया, उन्हें अच्छा नंबर नहीं दिया, जबकि वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर यूपी बोर्ड से जुड़ी हर अपडेट के साथ आपकी सभी कक्षाओं का फ्री में पूरा कोर्स चलाया जा रहा है। तो कहीं इधर उधर भटके मत, इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।